देखो माता के पानी के धारे, दो धारे देखिए ये बनाए गए हैं। पहुंच चुका हूं होकरा के इलाके में और अब जाते हैं माई के मंदिर में, आपको दिखाते हैं होकरा माई का मंदिर। ये है होकरा गांव और यहां के घरों की बनावट जो है पुराने ढचरे से है, पाथर वाले मकान यहां अधिकतर दिख रहे हैं। और इसी गांव में बसी है होकरा माई और देखना है अभी मंदिर में जाके होकरा माई के दर्शन करते हैं। और ये इनका गांव है होकरा का और पूरा होकरा। यह है मंदिर की सीढ़ियाँ और इसमें अभी कार्य चला हुआ है और अभी जा रहा हूँ मैं सीधे ही मंदिर की ओर और अभी निर्माण कार्य इसमें चला हुआ है। ये देखिए सुंदर से सीढ़ियाँ यहाँ पर बनाई गई हैं और अभी जैसे ही मंदिर में जाते हैं आपको दिखाते हैं मंदिर का शानदार सा नज़ारा और माई की शक्तिपीठ। ये गड़िया जी की पूजा है, आज हम आए हैं माँ होकरा देवी के मंदिर में और ये कंडपाल जी भी हैं और इनकी बदौलत आज हमने माँ होकरा माई का दर्शन किया है। और आप भी आइए कभी इस मंदिर में और दर्शन कीजिए और ये भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। और गड़िया जी का एक बार फिर से धन्यवाद, इतनी दूर उन्होंने हमको ज़बरदस्ती बुलाया है और ये माता का आदेश भी था। और गड़िया जी आपको बहुत बहुत बधाई हो इस पूजा की और आपकी जो भी मनोकामना पूरी हुई है आज उनकी पूजा पाठ यहाँ पर संपन्न हो रही है। आप पहुँच चुके हैं हम होकरा माई के मंदिर में और आप ये देख सकते हैं यहाँ पर होकरा माई का मूर्ति भी बनाई गई है और जो होकरा माई का मुख्य शक्तिपीठ है यह पत्थर है और इसे कहा जाता है कि यह पहले बहुत छोटा था, अब धीरे 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 बढ़ के ये यहाँ तक पहुँच चुका है। अभी पंडित जी पूजा पाठ करते हैं कर रहे हैं उसके और यहाँ पर दिया बाती का भी हो रहा है और वानर सेना भी यहाँ पर मौजूद है फल फ्रूटों को खाने के लिए। ये देखिए इसके ऊपर में ये बंदर हैं, तैयार हैं ये झपटा मारने के लिए। और इस मंदिर के बारे में हम पंडित जी से पूछेंगे पूजा अर्चना करने के बाद कि इस मंदिर में क्या ऐसी खास बात है कि इस पत्थर को अभी तक ढका नहीं गया है। और बिना छत की माई है ये, हर मंदिर में हमने देखा है कि शक्ति के ऊपर छत होती है पर इस माई के सर पर कोई छत नहीं है और ये खुले स्थान पर रहती है। न इसको छत की आवश्यकता है और न ही इसको घर की आवश्यकता है और यहीं से अपनी शक्ति दिखाती है और साक्षात शक्ति का महास्वरूप है होकरा की माई। और आपको बताते हैं इनके बारे में, पंडित जी से कुछ जानकारी लेंगे। यह मंदिर के बाहरी क्षेत्र है जहां पर जो भी भक्त आए हैं उन्होंने माँ को जो जो सुनिया। मंदिर का बाहर का दृश्य है और बहुत शक्तिशाली देवी इसको माना जाता है और पिथौरागढ़ जिले में यह मंदिर होकरा नामक गांव में स्थित है। और ये सारे यहां पर चुनरियाँ चढ़ाई गई हैं माता को और ये देखिए इसमें घंटियाँ भी हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर चढ़ाई गई हैं पर माता का कोई ऐसा मंदिर नहीं बनाया गया है। और माता की जो शक्तिपीठ है वो एक पत्थर के रूप में है और जो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। माता को स्नान कराया जा रहा है यहाँ पर और आप देख सकते हैं माता को नहलाया जा रहा है यहाँ पर पंडित जी के द्वारा। की सवारियां हैं बाघ के रूप में और उनका भी स्नान करवाया जा रहा है। माता का स्नान करवाया जा रहा है।
तांबे के तौले में पानी भर के लाए हैं और उस पानी के से अभी माता का स्नान हो रहा है और ये यहाँ पर सारी पूजा की सामग्रियाँ इकट्ठी हो चुकी हैं। ये हमारे गड़िया जी जिनकी पूजा है आज और इन्हीं के निमंत्रण से हम यहाँ पर आए हैं और इन्हीं के द्वारा हम इस मंदिर का दर्शन कर पा रहे हैं। और देखिए बंदरों का आतंक, दो जने डंडे लेके बंदरों को भगाने में लगे हुए हैं। अभी पुराना जो तिलक है उसको मिटा के नया तिलक लगाया जाएगा यहाँ पर पंडित जी के द्वारा। दिखाते हैं आपको कैसे उनको आज नया तिलक लगेगा। ये देखिए माता को चुनरी चढ़ाई जा रही है और ये देखो माता के यहाँ पर चुनरी उड़ाई गई है माता को और ये माता के सर पे चुनरी डाली गई है। और क्योंकि ऊपर कोई जा नहीं सकता है इसलिए लकड़ी से चुनरी उड़ाने का काम किया जा रहा है पंडित जी के द्वारा। ये देखिए क्या बेहतरीन परंपरा है। अब जितनी पूजाएं आ रही हैं उन सभी की चुनरी यहाँ पर माता के सर पे चढ़ाई जाएगी। ये देखिए माता के शक्तिपीठ को ढका जा रहा है पूरा। इस तरह से माता के शक्तिपीठ को ढका गया है चुनरी के माध्यम से और अब तिलक हो रहा है माता को पंडित जी तिलक करते हुए चंदन का तिलक पहले लगाया जा रहा है। ये आरती की आरती भी आ चुकी है यहाँ पर। अब पेठा का तिलक किया जा रहा है। और यह है माँ होकरा का पूजा का विधि विधान। अभी अक्षत चढ़ाए जा रहे हैं। ये देखिए अक्षत भी अपने आप चिपक जा रहे हैं उस पर। फूल के साथ मक्खन लगाया गया है उनके माथे पे और अब सारे जो भी इनके साथ के देवी देवता हैं उनकी पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है पंडित जी के द्वारा। ये देखिए बंदर भी माँ की शक्ति को चुनरी उड़ाते हुए आप देख सकते हैं और कितने बेहतरीन ढंग से वो माँ को चुनरी उड़ा रहे हैं इसका नज़ारा आप देख सकते हैं। बारे में कुछ लेना चाह रहे हैं। ये 200 साल पहले इस शक्तिपीठ की स्थापना मतलब हुई है और ये शक्तिपीठ हमारे पूर्वजों द्वारा इसकी स्थापना की गई है और हमारे पूर्वज जब बहुत पहले सालों पहले लगभग 200 साल पहले तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे तो हमारे एक बुबू हो गए और मेहता होकरा के मेहता यजमान लोग तो ये लोग तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे। तब रास्ते में कहीं एक जगह थी और जाते जाते उनको अंधेरी रात हो गई तो रास्ते में जब उनको रात हुई तो एक घर में रुक गए तो तब घर में रुके तो होकरा के मेहता यजमान को और हमारे पूर्व पिता हमारे बूबू को
एक ही जैसा सपना हो गया, तो मतलब यहाँ देवी की स्थापना होने वाली है करके। तो वो लौट के आए दो ढाई सौ साल पहले, जब वो लौट के यहाँ आए तो तब उन्होंने उनको मतलब जैसे ही उनके मेहताज यजमान को देखा वैसे सपना दोनों यजमान पुरोहितों को हो गया। तो इसको देखकर जब उनको लगा कि ये वीरान जगह है, तो आते आते उन्होंने इस मंदिर की स्थापना कर दी थी। और यहाँ मुख्य पूजाएँ चैत्र अष्टमी और कुमार की अष्टमी को मुख्य पूजा होती है। नवरात्रि में यहाँ दो नवरात्रि को अखंड दीपक जलते हैं, फर्स्ट से लेकर और लास्ट तक पूजा होती है, मतलब दसवीं तक की पूजा होती है। और विशेष प्रभु में भी यहाँ पूजा होती है, कथा का भी यहाँ विधान है। और यही जानकारी है। और ये शक्तिपीठ के बारे में, ये शक्तिपीठ ये खुला क्यों है? ये खुली शक्तिपीठ इसलिए है कि जब माँ जगदम्बा में हंकार रूप भरी तो तब यहाँ हंकार रूप में ये माता विराजमान हो गई। अच्छा। दंड मुंड और शुंभ निशुंभ देवतों का वध करते हुए हंकार स्वरूप में यहाँ शिला के रूप में हो गए। क्योंकि आप ये जगह भी जानते होंगे, सुमगढ़ शुंभ निशुंभ देवतों का वध हुआ, दानवपुर राक्षसों का वध हुआ था वो, तो तब से ये माता यहाँ हंकार रूप में यहाँ विराजमान हो गई। तो इसके ऊपर छत नहीं डाल, इसके ऊपर आप छत नहीं डाल सकते, डाल नहीं सकते। हमारी मंदिर कमेटी श्री ऊपर में ये भवन सिंह मेहता कैप्टन साहब हैं, उन्होंने भी कहा और बहुत सारे लोगों ने गांव की मीटिंग पर सुनी, पूजा थी पंचमी को, इसके माता के उसमें ये चिट्ठी डाली, तो माता को ये मंदिर नहीं था। अच्छा। माता खुली शक्तिपीठ में रहने वाली। अच्छा अच्छा, तो ये शक्तिपीठ बढ़ते रहते हैं? हाँ, बढ़ते रहता है। अच्छा अच्छा, धन्यवाद गुरु जी, आपने इतनी जानकारी दी। देखिए ये बनाए गए हैं दिए यहाँ पर, और इन सब में दिए जलाए जाएंगे और इसके ऊपर अगरबत्ती, और बहुत ही बेहतरीन दृश्य इसको देखने को लग रहा है कि हर दिए में अगर बाती जल जाए तो कितना भव्य आरती लगेगी। ये है हुकरा माई के पानी के धारे, दो धारे यहाँ पर हैं, और इसी तरह दो धारे यहाँ पर हैं। अभी पूजा पाठ चलते हुए पाठ किया जा रहा है यहाँ पर माता के दरबार में, और ये गड़िया जी की पूरी फैमिली है, बैठे हुए हैं अपनी पूजा अर्चना के लिए। ये है गड़िया जी की पूरी फैमिली, जो फैमिली के साथ यहाँ पूजा पाठ करने आए थे, और जो भी इनकी मनोकामना पूरी हुई है, आज इनकी पूजा पाठ यहाँ पर संपन्न हो रही है। एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं गड़िया जी का परिवार, गड़िया जी की वजह से हमने भी ये मंदिर देख लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, आपने हमको निमंत्रण दिया, धन्यवाद सर।